शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर में क्वारंटाइन किए गए लोगों को अच्छा खाना संस्था दे रही है, साथ ही क्वारंटाइन किए गए रोजेदारों को एनजीओ द्वारा सहरी और इफ्तारी का विशेष प्रबंध के साथ काफी अच्छा ध्यान दे रही है। ऐसी जानकारी मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी इन्होंने दी है। इस मौके पर उनसे बातचीत किया हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने आइए देखते ये रिपोर्ट। दर्शक नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम नागपुर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी जी इनके पास में आए हुए हैं। उनसे ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्वारंटाइन किए गए लोगों की देखभाल किस प्रकार से की जाती है, खान पान के क्या क्या कामकाज किए जा रहे हैं, और मनपा प्रशासन जिस और नागपुर शहर में जो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें उनसे है, इस दिशा में वे क्या काम करने वाले हैं। आइए ये रुक करते इस समय में अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी साहब हमारे साथ में, उसी बात करते हैं। जोशी साहब, ये बताइए कि नागपुर में कुल कितने क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और हर क्वारंटाइन सेंटर्स में कितने अब तक लोगों को रखा गया है, हर क्वारंटाइन सेंटर का स्टेटस क्या है? देखिए, जो भी यहाँ पर कोरोना की पॉजिटिव केसेस आती है, उनसे जो संपर्क में आए हुए लोग हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, जिनसे पॉजिटिव केसेस आने की शक्यता है, उम्मीद है, उन सबको हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन मतलब विलगीकरण, वो थोड़ा सा बाकी समाज से, बाकी लोगों से ज़रा दूर रहे ताकि इनसे ना फैलाव हो सके और ये फैलाव थोड़ा रोक जा सके। क्वारंटाइन अभी तक तो हमने काफ़ी करीब करीब 4000 के करीब करीब लोगों को क्वारंटाइन किए थे। हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स अलग अलग जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनके हॉस्टल्स है, कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दूसरे से अलग रहने के लिए जो इमारत में सुविधा है वही इमारत हम लोग, वही बिल्डिंग हम लोग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी लॉ कॉलेज का हॉस्टल है, वहाँ करीब करीब 200-225 लोग रह सकेंगे, ऐसी दो दो लोग एक रूम में रह सके, इतनी रूम्स हैं। सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो बड़ा सा कैंपस है, उनकी जो हॉस्टल है वहाँ पे भी करीब 450-500 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, इतनी बिल्डिंग उन्होंने हमें अवेल करके दे दी है। यहाँ हमारा रवि भवन है, आमदार निवास है, वनामती है, इसके सिवा हमारे यहाँ पाँच पौली में कुछ पुलिस लोगों के लिए क्वार्टर्स बने थे, जो 2 BHK के क्वार्टर्स है, जहां पर अलग अलग रूम में इनको रखा जा सक रहा है और रखे हुए हैं। VNIT कैंपस में उनकी 4 अलग अलग बिल्डिंग्स है जहां इन लोगों को क्वारंटाइन लोगों को रखा हुआ है। RPTS प्रीमाइसिस में भी ऐसे ही कुछ नई बिल्डिंग बनी थी जो अभी खाली थी, उनका भी हमने ये क्वारंटाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वारंटाइन प्लेस में हम लोग जैसे ही लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, क्वारंटाइन करने के बाद उनको वहाँ पर रखने के बाद उनका स्वैब लिया जाता है। ये स्वैब जो लेने के बाद वहाँ वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है। हर क्वारंटाइन प्लेस में हमारे मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल टीम, सैनिटेशन की टीम, वहाँ वाटर सप्लाई होता है, वहाँ उनकी जो बेसिक ज़रूरत जो होती है, चाय, पानी, नाश्ता, दोनों टाइम का खाना, दोपहर का भी नाश्ता, चाय, ये हम लोग मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी मेडिकल देखभाल भी हो रही है, मतलब वहाँ के क्वारंटाइन किए हुए लोगों को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी आता है तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी। सर, जहाँ खाने की बात है तो खाने का समय कितना निर्धारित किया गया है, कितने बार खाना दिया जा रहा है क्वारंटाइन किए गए लोगों को? क्वारंटाइन किए हुए लोगों को सुबह का चाय और नाश्ता 8 बजे के करीब करीब दिया जाता है, और फिर दोपहर को 1-2 बजे तक या 3 बजे तक उनका दोपहर का खाना होता है, और शाम को 8-9 बजे के करीब करीब उनका रात का डिनर होता है। उसके बीच में दोपहर को 4-5 बजे के बीच में उनको चाय, बिस्किट भी और दी जाती है। सर, ऐसी कौन सी संस्था या कंपनी है जिसे ये टेंडर दिया गया खाने का, खाने की जिम्मेदारी आखिरकार किसे दी गई है, क्योंकि बीच में ऐसी कुछ खबरें आई थी कि खाने को ऐसा है कि किसी संस्था या इनको नहीं दिया है, हमने इसका टेंडर निकाला हुआ था कि 2 टाइम का खाना, बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी, चाय 2 टाइम का, इसका आप क्या
रेट ले सकेंगे। इसके साथ हमें 160 रुपए में देने वाली दो संस्था आ गई थी, फिर हमारे क्वारंटाइन केंद्र और बढ़ गए, हमने फिर से उसको पब्लिश किया कि 160 में देने के लिए और कौन सी संस्थाएँ तैयार है, और 12 संस्थाएँ हमारे पास आई जो 160 रुपए में ये सब देने के लिए तैयार है। उनमें से कुछ संस्था को अभी काम मिला हुआ है, जैसे जैसे क्वारंटाइन प्लेसेस और बढ़ते जाएंगे हम बाकी संस्था को भी वो काम दे रहे हैं। आज के डेट में भी करीब करीब 6-7-8 संस्था है इन लोगों को खाना का प्रोवाइड कर रहे हैं। सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि 7-8 संस्था के मार्फत से लोगों को खाना दिया जा रहा है। सर मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे मुस्लिम लोगों का जैसे रोज़ा इफ्तार चल रहा है, तो मुस्लिम लोगों के लिए सहरी या इफ्तारी का कोई विशेष प्रबंध किया है क्या खान पान को लेकर? हाँ, इफ्तारी और सहरी मतलब जो लोग रमज़ान रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो लोग शाम को 7 बजे के बाद इफ्तारी होता है और सुबह 3 बजे 4 बजे के पहले उनका सहरी होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारी एनजीओज, मुस्लिम एनजीओज सामने आई है, उन लोगों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि सर हम इस एरिया में जाके, इस क्वारंटाइन केंद्र में जाके इन लोगों को सहरी देना चाहते हैं। हमने उनको हमारे पुलिस प्रशासन और हमारे म्युनिसिपल प्रशासन को समन्वय रखते हुए वहाँ बराबर पहले दिन से आज तक रेगुलर सहरी और ये मिल रहे हैं। मैं उन सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और सभी एनजीओस के लिए भी प्रशासन की ओर से और सभी क्वारंटाइन किए हुए नागरिकों की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर लेकिन मनपा प्रशासन की ओर से क्या दिया जा रहा है? शहरी के लिए मनपा प्रशासन नहीं दिया जाएगा, शहरी मनपा प्रशासन तो अपना टाइम पे जो खाना दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये एनजीओस को जो है ये मनपा प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में ही दे रहे हैं। उन्होंने ही, मनपा प्रशासन ने उनको अपील की है और वो अपील को रिस्पॉन्स करते हुए वो लोग सब खुदों के सामने आए, इसलिए मनपा प्रशासन उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर अब तक के शहर में कितने ऐसे मुस्लिम भाई है जो जिन्हें क्वारंटाइन किया गया, क्या संख्या हो सकती है? मुस्लिम और हिंदू ऐसे नहीं काउंट किए गए, अलग अलग इंसान तो इंसान होते हैं, क्वारंटाइन जो भी है ऐसे अलग अलग हिंदू मुस्लिम नहीं हम लोग काउंट कर सकेंगे, फिर भी नहीं बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। सर इस समय में तमाम आपको मुस्लिम भाई इन विषय के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन भाइयों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे सर? क्या भी सुविधा मिल नहीं रही ऐसा उनका कहना था, ऐसे में क्या उन्हें आप आश्वस्त करना चाहते हो, यकीन दिलाना चाहते हो? सभी दर्शकों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो मैंने अभी बोला है मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कुछ एनजीओस भी इसमें अच्छी मदद कर रहे हैं, एनजीओस के सहारे और मनपा प्रशासन के सहारे आपका पूरा पूरा ख्याल रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस सब चीज़ें करते समय हमें लाइफ एंड डेथ का सवाल सामने है, इसलिए थोड़ी सी अगर कुछ उसमें कम ज़्यादा है, 19-20 है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इसको थोड़ा अलग नज़रिया से देख के थोड़ा अगर कुछ गलती भी होती है, कुछ कम ज़्यादा होता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लूँ। धन्यवाद। जोशी साहब जाते जाते आखिरी का सवाल, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है किस बारे में, किस विषय को लेकर? जैसे पेशेंट क्वारंटाइन किया जाता है, जल्दी जांच होती है नहीं होती है, कितने दिनों में उसका कामकाज किया जाए, जांच कैसे की जाए? अभी जो क्वारंटाइन लोगों के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें क्वारंटाइन पेशेंट उनकी पहली टेस्ट किया जाए, पहली टेस्ट अगर निगेटिव आती है तब भी उनको 13वें या 14वें दिन पे फिर से एक बार टेस्ट किया जाए, और दोनों टेस्ट अगर उनकी निगेटिव आती है तो 14 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया जाए। इस तरह की ये क्वारंटाइन लोगों के लिए जो गाइडलाइंस है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी जी, जिन्होंने बखबी बेबाके के साथ बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने यह यकीन दिलाया है सभी लोगों को कि सभी, कोई भी असुविधा वहाँ पे नहीं हो रही है, सभी सुविधाएं दी जा रही है, और जहाँ सहरी और माह रमज़ान की जहाँ बात हो तो कई ऐसे एनजीओज है जो
स्वयंसेवी संस्थाएं जो कामकाज कर रही है और उन लोगों का पूरा पूरा ध्यान रख रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो कोरोना की रोकथाम और कोरोना से दो हाथ करना। कोरोना इस वायरस, इस महामारी से, इस शहर से नहीं, इस देश से नहीं, तो बल्कि पूरे विश्व से उसको निकाल उखाड़ के फेंकना है। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम वॉरियर्स तैयार है, शहर की जनता ने साथ दे, यही कुछ अंदाज में बात अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी जी इन्होंने कहा है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडिशनल कमिश्नर राम जोशी जी इनके कक्ष से, कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।